उत्तर प्रदेश की राजधानी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर किया रक्तदान शिविर का आयोजन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में गांधी जयंती बड़े ही धूमधाम से और गांधी जी के विचारों को याद करके मनाई गई। इसी के शुभ अवसर पर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सिविल हॉस्पिटल में लगाया रक्तदान शिविर, जहां पर डॉक्टरों से बात की हंगामा टाइम्स न्यूज की विशेष संवाददाता अर्चना कश्यप की एक विशेष रिपोर्ट पर। आइए डालते हैं नजर। जिस तरह से आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर के दिन हमारे देश के 2 महापुरुषों की जयंती होती है, लाल बहादुर शास्त्री और हमारे महात्मा गांधी, जिन्हें बापू कहा जाता है। उसी के उपलक्ष्य में इस समय हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है लॉयंस इंटरनेशनल क्लब के द्वारा। तो यहाँ पर आए हुए लोगों से हम बात करेंगे, जिस तरह से दो हमारे महापुरुष जो के द्वारा जो है हम स्वतंत्रता की सांस ले सक रहे हैं इस स्वतंत्र देश में, तो क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बारे में? तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं लॉयन विशाल सिन्हा, पार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इंटरनेशनल। हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये हमारा जो आज 2 अक्टूबर है, हम लोग इसको सर्विस वीक के हिसाब से मनाते हैं। आज 2 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक हमारे विभिन्न सेवा कार्य होंगे, उसी में ये ब्लड डोनेशन का काम भी है। इसका आयोजन आज हमारे ब्लड डोनेशन के जो कोऑर्डिनेटर हैं लाइन पीएस जग्गी जी मेरे बगल में खड़े हुए हैं, और विनीत श्रीवास्तव जी जिन्होंने अभी डोनेशन दिया है, उनके सौजन्य से हुआ है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आज उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे किसी कारणवश बाहर गए हैं, तो मैं यहाँ पे इस कैंप की उद्घाटन के रूप में आया था। मेरे साथ यहाँ पे दिलजीत सिंह टोनी जो चीफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोग का ये मुख्य सेवा कार्य है ब्लड डोनेशन का, और हम लोग ये जैसे 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक हमारा साल चलता है, हम लोग कम से कम 3-4 हज़ार यूनिट्स जो है एक साल में इकट्ठा करते हैं। हमारे बीच हमारे जो बहुत ही मुख्य ब्लड डोनेशन जो करते रहते हैं अक्सर, पुनीत जौहरी जी भी हमारे बीच में हैं, ये एक परिवार से हैं। करीब 49-50 बार आज 50वां डोनेशन दिया है पुनीत जौहरी जी ने, ये नेगेटिव है। 60 डोनेशन मैं भी कर चुका हूँ, तो ये एक तरीके से हमारा लाइन्स इंटरनेशनल का परिचय है। बाकी एक बार पुनः मैं आपके एक बार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ भाई, इस काम को बहुत जो कैबिनेट हमारे सहयोगी हमारे साथ कैबिनेट सेक्रेटरी ये भी हैं, बहुत इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। धन्यवाद रचना जी। पहले तो मैं ये बता दूँ, आज जो ये 2 अक्टूबर है, हम लाइन्स इंटरनेशनल इस 2 अक्टूबर को प्रति वर्ष हम लोग कैंप लगाते हैं। लायंस क्लब, जैसा हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि हम लोग साल में 2 से 2.5 हज़ार यूनिट एवरी ईयर कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड वी डू कैंप्स विद SGPGI, विद लोहिया हॉस्पिटल, बलरामपुर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, KGMC, मेदांतास, मैक्स, अपोलो मेडिक्स, सारे अस्पतालों के साथ में हम लोग मिल करके कैंप्स करते रहते हैं, क्योंकि हर मरीज़ को ज़रूरत होती है रक्त की, और रक्त का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। कभी कभी जैसे बहुत सारे लोग आते हैं जो बाहर से आते हैं, जिनके पास डोनर्स नहीं होते हैं, वो हमारे अगर संपर्क में आते हैं तो हम उनकी पूरी मदद करते हैं। जैसे कभी निगेटिव ग्रुप्स होते हैं, कई उनको देते हैं। मैं स्वयं लायंस क्लब में इस समय डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ ब्लड डोनेशन का, और मैं स्वयं, ये मेरा 71st डोनेशन है आज। 71 बार मैं ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ, 30 बार मैं प्लेटलेट डोनेशन कर चुका हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो इस मुहिम में जुड़े और अधिक से अधिक ब्लड डोनेट बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड मिले, मैं चाहता हूं कि वो स्थिति क्रिएट हो कि हमको, हम जैसे पर्ची लेके दवा लेने जाते हैं, ऐसे ही ये होना चाहिए कि हम पर्ची दें। स्थिति ब्लड बैंक्स के होनी चाहिए, उनके पास इतना ब्लड उपलब्ध होना चाहिए कि उनको रिप्लेसमेंट डोनर की आवश्यकता ना हो, क्योंकि कई सारे मरीज़ों की ये बहुत तकलीफ़ होती है कि उनके पास डोनर्स नहीं होता जो बाहर से आते हैं। उनके लिए हमारी ऐसी संगठन है, समाजसेवी संस्थाएँ, वो मदद करती हैं। तो मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके माध्यम से मैं फिर अपील करूंगा कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, हम लोग कैंप करते हैं वहाँ पे, लेकिन तब भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं देते हैं, वो चाहूंगा कि वो भी जुड़े हमसे। आज कितने लोगों के द्वारा रक्तदान किया? अभी तक करीब 15 लोग डोनेट कर चुके हैं, और ये कैंप 2 बजे तक चलेगा। मैं समझता हूँ कि करीब 30-35 यूनिट हम यहाँ पर आज डोनेट करके जाएंगे। हमारा कल भी कैंप था SGPGI में, 1 अक्टूबर को किया था, उसमें
SGPGI की टीम थी और रिजर्व पुलिस लाइंस में किया था। तो ACP हैं गोसाईगंज, किरण यादव जी IPS हैं, शी वॉज द चीफ गेस्ट, वहाँ पर भी हमारा बड़ा सक्सेसफुल कैंप हुआ था। तो और भी कुछ लोग हैं मैम हमारे साथ में हैं, मैम से बात करेंगे कि जिस तरह से आज दो महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगा, तो मैम क्या कहना चाहेंगे? रिस्पेक्टेड सर ने, हमारे विनीत भाई साहब ने जो बताया है सारी चीज़ें उसमें समन्वित है। बहुत ख़राब लगता है जब मरीज जो है कष्टों में अपने साथ रिक्वेशन फॉर्म के साथ सैंपल लेके आता है और उसको अगर ये कहना पड़ता है कि ब्लड कौन देगा, समझ लीजिए हम लोग को इतना ख़राब लगता है। अगर हम लोग हमेशा टाइम टू टाइम 4 to 5 हमारे नौजवान आकर समझे इस बात को, जागरूक हों कि ब्लड डोनेशन है क्या, अभी यही नहीं जानते हैं लोग, बहुत से लोग नहीं जानते कि ब्लड डोनेशन कब देना चाहिए, कैसे। ब्लड डोनेशन कभी नुकसान नहीं होता है, शरीर और हेल्दी रहता है, टाइम टू टाइम डॉक्टर का सारा वो हो जाता है, आपका सारी चेकिंग हो जा रही थी, सारे मेजर जितने टेस्ट हैं वो हो जाते हैं, आप एक्टिव रहते हैं। और डोनेशन के बाद जो ब्लड होता है इससे हमारी 3 चीज़ें बनती हैं, जो वैसे 4 बनती हैं लेकिन रूटीन यूज़ में जो हमारे बना रहे हैं PRBC बनती है, पैक रेड ब्लड सेल्स, 2 एनीमिया वाले जो मरीज़ हैं, खून की कमी, बच्चा हो रहा है, खून की बहुत कमी होती है, उनके लिए PRBC बनती है, FFP बनती है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो बर्न वाले केसेस है, लेडीज जल जाती हैं काम वाम करने में इसमें, उनके लिए और भी बहुत सारी डिजीज जिसमें वो काम आता है। फिर प्लेटलेट्स, जो इस समय वायरल इन्फेक्शन कोई भी होता है उसमें हमारे प्लेटलेट्स बहुत जल्दी कम हो जाती हैं, और कभी कभी तो ये नौबत भी आती है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, उसके लिए प्लेटलेट्स की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और 4-5 प्लेटलेट्स चाहिए होती है, 5 प्लेटलेट्स एटलीस्ट चाहिए, जिसको रैंडम हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, तो उसके लिए 5 प्लेटलेट लिख दिया, तो 5 डोनर चाहिए, 5 डोनर से 5 प्लेटलेट्स बनेंगे, कहाँ से वो 5 प्लेटलेट्स के लिए 5 डोनर से प्लेटलेट्स लाएगा। और हमारे यहाँ इतने डोनर्स हों कि प्लेटलेट्स बनी हो हमारे पास और उसकी एक्सपायरी 5 दिन की होती है, और रोज़ बने रोज़ ले जाए और खपत हो जाए उसकी, और इससे अच्छा और क्या होगा, ताज़ी बनती रहें, निकलती रहें, और डोनर्स इतने हों कि कहीं कमी न रहे और हमें उस समय रिप्लेसमेंट में ब्लड ना लेना पड़े। रिप्लेसमेंट में जो आदमी आता है वो मजबूरी में आता है कि हमें माँ के लिए, हमें बच्चे के लिए, हमें इसके लिए ब्लड देना है, हम तैयारी से नहीं आए, वो बेचारा ले के बच्चे को आया, हमारा ब्लड ले लीजिए, हमारा ब्लड, बहुत ख़राब लगता है। और हम लोग यूथ को मोटिवेट करेंगे और वो दिन ज़रूर आएगा कि हमारा रिप्लेसमेंट वाला वर्ड हट जाएगा, इसका कोई ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वॉट इज़ रिप्लेसमेंट? नथिंग। ये एक खुशी से दान में दे के आदमी जाता है, और जब ब्लड चढ़ता है उसको किसने किसको कहाँ कब दिया कोई नहीं जानता। बिल्कुल मैम। भावना टंडन, मैंने अभी 19 सितंबर को ब्लड डोनेट किया है, वो मेरा 70वां ब्लड डोनेशन था, और जैसा कि ये हमारे मोटिवेटर सबसे बड़े यही डॉक्टर रत्ना पांडे, दूसरे डॉक्टर मिस्टर विनेश श्रीवास्तव जी, इसीलिए मैंने इनको ज्वाइन किया क्योंकि इनका ग्रुप लॉयंस क्लब हमेशा आगे रहता है, हमेशा ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए जो सच में हेल्पलेस हैं, और इसी वजह से आगे हेल्प करने के लिए एक ही डॉक्टर और दूसरी विनेश श्रीवास्तव जी, इन लोगों की वजह से मैंने इतना किया, और आज मैं 20 सालों से ज़्यादा और सिविली हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मैंने डोनेट किया, और 20 साल से करीब हो रहा है मुझे यहाँ डोनेट करते करते, तो मेरा 70वां कभी 19 तारीख को हुआ है कंप्लीट, और हम कहेंगे जल्दी से जल्दी आगे से आगे लोग बढ़कर आएं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, ताकि ये रिप्लेसमेंट जैसा वर्ड हट जाए और जिसको जैसी रिक्वायरमेंट हो इमीडिएटली उसकी वो फुलफिल हो। थैंक यू। क्योंकि ब्लड के अभाव में बहुत से लोग जो है मर भी जाते हैं। आज हम आपको लेकर गए थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल में लेकर के आए थे, जिसे सिविल अस्पताल भी कहते हैं, जहाँ पे लॉयंस इंटरनेशनल क्लब के द्वारा 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहाँ पे 15 से ज़्यादा लोग आए जिन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप किया। 2 बजे तक ये कैंप चलेगा, जहाँ पे और भी लोग अभी आ रहे हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में, ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पूरे लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।